सो दे शुड बी कॉपरेशन रादर देन फ्रिक्शन. और जो मास्टर ये ताला वाला खली मतिन सवाई बहन बहन हाँ उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है. तो उल्मा को हिकमत से बात करना चाहिए जो हुकुमरान है, हुकुमरान को उल्मा की बात मानना चाहिए, थोड़ा गिव एंड टेक होना चाहिए. हम ये नहीं समझते कि ओवरनाइट बदलाव आ सकता है. देर शुड बी कॉपरेशन बिकॉज अच्छी बात है कि सब मुसलमान है, अवाम भी मुसलमान है, हुक्मरान भी मुसलमान है, उल्मा भी मुसलमान है. तो हमारा कॉमन एजेंडा तो है ना कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल. तो ये कॉमन एजेंडा को रखते हुए, कुरान को आगे रखते हुए, अल्लाह को आगे रखते, अल्लाह के रसूल को आगे रखते हुए अगर हम बात करें और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें ताकि नेट रिजल्ट शुड बी दैट ये देश और कुरान और हदीस के करीब आए, ये रिजल्ट होना चाहिए. 100% ओवर नाइट तो मुमकिन नहीं. अल्लाह के रसूल जब थे वो भी माशाल्लाह 22-23 साल लिए आस्ते आस्ते, आपको तो 70 साल हो गए से ज्यादा. तो हिकमत के साथ अगर टेबल के क्रॉस बैठे और एक दूसरे को समझे, मेन एजेंडा होना चाहिए कि कॉमन पॉइंट है कुरान और हदीस, अल्लाह और अल्लाह के रसूल. इस पॉइंट पे बैठ के अगर बात करें, ऑलवेज अमन के वक्त इस्लाम ज्यादा फैलता है, वॉर के टाइम पे नहीं. इसलिए अल्लाह के रसूल ने सुलह हुदैबिया की थी. तो वही अगर रख के अगर अवाम हुक्मरान और उल्मा बैठे और कॉमन पॉइंट पे आए ताकि मुल्क तरक्की करे और कुरान और हदीस के करीब आए. अल्लाह ताला तो सारे दुनिया में दीन नाफिज करने वाले, हम चाहे या न चाहे, आप चाहे या न चाहे, अल्लाह को मेरे और आपकी ज़रूरत नहीं, हम तो रबिश है. अल्लाह ने वादा दे दिया कुरान में, हम क्यों ने मेक हे वेल द सनशाइन, हम क्यों ने इसका फ़ायदा उठाया कि इस्लाम तो गालिब होने वाला है. मेक हे वेल द सनशाइन ये कहावत है. तो हम अगर ये करेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप दीन, अगर आप दुनिया चाहते हैं तो अल्लाह दुनिया देगा लेकिन आखिरत नहीं देगा. अगर आप आखिरत चाहेंगे अल्लाह आखिरत भी देगा, दुनिया भी देगा. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्सर लोग कुर्सी के पीछे, तो सबसे अव्वल कुर्सी आखिरत की, आखिरत की कुर्सी के पीछे रहो, उसमें कोई नुकसान नहीं. दुनिया की मिली या ना मिली, वो आखिरत की कुर्सी एटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए. यहाँ दुनिया की कुर्सी कितने साल एक इंसान जीता है, 70-80-90 साल, उससे ज्यादा तो नहीं, 100 साल एवरेज कितना, 80 ईयर्स, वो तो ता कयामत तक है. तो उसके पीछे रहेंगे तो अल्लाह ताला वो भी देगा ये भी देगा. अपना नाम और अपना चैनल का नाम. डॉक्टर साहब, मेरा नाम जमील मिर्जा, मैं एक्सप्रेस से तल्ले करता हूँ. मेरा सवाल ये है, इस वक्त जब फलस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान भी उसमें उनको इसराइलियों को जवाब दे रहा है फलस्तीन पे हमले का, लुबनान भी दे रहा है और दूसरे भी बैरून, दूसरे जो ममालिक हैं वो भी साथ दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो खामोश तमाशा को देख रहे हैं. क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक इन हुक्मरानों को ऐसा जवाब नहीं देना होगा कि जब आपके मुसलमान भाई कट मर रहे थे, कुछ मुल्क साथ दे रहे थे और आप तमाशाई बने हुए थे? बहुत शुक्रिया. भाई साहब का सवाल है कि ईरान जवाब दे रहा है इसराइल को और बाकी ममालिक जवाब नहीं दे रहे, इसके लिए देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है. अगर वो हुक्मरान ऐसी चीज कर रहे हैं जो हिकमतन उम्मत के लिए फायदा है तो सही है, और कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहे हैं. अक्सर लोग बैकसीट ड्राइविंग करते, बैकसीट ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग तो जानते नहीं, वैक्सीन करते. तो ये देखने पड़ेगा वो उनका मौकफ क्या है, उनकी नीयत क्या है. अगर नीयत ये है कि हम करेंगे तो और नुकसान होगा इसीलिए नहीं कर रहे, या करेंगे तो और फायदा होगा, तो हर हुक्मरान अपने हिसाब से वो सोच रहे हैं. तो इसके अंदर हुक्मरान को उल्मा से राय लेना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में क्या करना चाहिए. तो जब हम अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते हैं तो
تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے, اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے, اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے, اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے, مسلمان ملک ہے, حکمران بھی مسلمان, علماء بھی مسلمان, اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا, اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں, اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کی, وہ بہتر ہے بہ نسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں, حکمران بھی ساتھ میں آئیں, اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لیں. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے ایک لیڈر وہیں نے وہ ہوتا تھا, پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. سب ایک ہی جہاں سے پوچھے, یہاں بھی پوچھے, یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے, السلام علیکم, پریس ادھر ہی ہے. ڈاکٹر صاحب, احمد رشید صادق, انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان, بیورو چیف فور راولپنڈی. میرا ہم آپ سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. لال صاحب, حسن عباسی صاحب, جو پروگرام لائف فیلز کر رہے ہیں, جتنے بھی دوست احباب ہیں, سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ راولپنڈی اسلام آباد ساتھیوں کو بھیج کے یہاں سے ودا ہو رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ان شاء اللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے, تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے, سوری کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے, مسلمان خستہ حالی کا شکار ہے, مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. جہاد کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے, اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات